तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसका नाम है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कई बार व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर यह कहानी आती है। हमारे देश के एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं JRD टाटा, वो जर्मनी गए थे। जर्मनी में किसी रेस्टोरेंट में वो और उनके दोस्त जो है खाना खाने गए। बहुत भूखे थे तो उन्होंने खूब सारा खाना ऑर्डर कर दिया, है ना, खूब सारा खाना ऑर्डर किया, जितना खाना था खाया और बाकी सारा जो है वहां पर छोड़ दिया, छोड़ करके जाने लगे। तो आसपास में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उनको बहुत बुरा लगा, है ना। एक लेडी थी, उसने उनको काफी बोला कि ये आप खाना छोड़कर नहीं जा सकते, ये गलत बात है। तो टाटा के जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई ये खाना का पैसा हमने पे किया है, हम वेस्ट करें चाहे खाएं उसमें तुम्हारी क्या दिक्कत है, तो हमारा खाना है, हमने पैसा दिया है, ठीक। तो वो लेडी जो थी वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई, उसने फ़ोन किया किसी को, और फ़ोन करने से किसी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक आदमी आया वहाँ पर और उसने जो है इन पर फाइन लगाया। फाइन लगाकर उसने ये कहा कि पैसा जो है वो तुम्हारा हो सकता है, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो खाना है, वो जो है वो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सबका है। ये नेचुरल रिसोर्स है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं या हवा में सांस लेते हैं, ये जो है नेचुरल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स पर इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनका सबका अधिकार है, जानवर रहते हैं उनका भी अधिकार है उस पर, है ना। तो आप कोई चीज जो है उसका वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो ये जो कहानी बताता है कि हम लोग कई सारी ऐसी चीजें यूज करते हो जो हमारी पर्सनल नहीं है, जो वो चीजें हम भी यूज करते हैं, कोई दूसरा भी यूज करता है, वो हमें फ्री में मिली हुई है, नेचर ने हमें दिया है, तो उसको हमें इस तरह से यूज करना चाहिए, इस तरह से यूज करना चाहिए कि हम लोग काफी लंबे समय तक यूज करें, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी अच्छे तरीके से उसको यूज कर पाए, है ना। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है, ठीक। तो जैसे कि देखेंगे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने यहाँ पर काफी कुछ लिख दिया है, आप इसका नोट बना सकते हैं, मैं एक एक पॉइंट को इसमें धीरे धीरे समझाऊंगा। जैसे कि पहले मैंने बताया है लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर एंड द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम बोथ टीच अस अ लेसन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। तो लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, है ना, उसके साथ में सुर ताल मिलाकर के हमें रहना है, उसके साथ सुर ताल मिलाकर के हमें जीना है, है ना। सुर ताल कभी मिल सकता है जब उसको हम लोग सस्टेनेबल तरीके से यूज करेंगे। कभी जैसे एयर है, वाटर है, उसको हम लोग पॉल्यूट नहीं करें, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उसको ओवर यूज नहीं करें, क्योंकि काफी लंबे समय तक हमें उसे यूज करना है। एयर हम लोग जो यूज करते हैं वो कोई दूसरा भी यूज करता है, हम भी बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं, इसलिए उसको पॉल्यूट नहीं करें, ये सब हमारा काम है, है ना। तो इसी को कहते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसके साथ में हमें सुर ताल मिला करके चलना है, है ना। तो ये जो लिखा है लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, अगर हार्मोनी में नहीं रहेंगे नेचर के साथ में तो क्या होगा, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, ऐसी चीजें होती रहेंगी, है ना। कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगेगा, तो ये नेचर के साथ अगर हार्मोनी के साथ नहीं रहेंगे तो ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो ये रहना जो है नेचर के साथ में, हार्मोनी के साथ में रहना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट। वसुधैव कुटुंबकम क्या कहता है कि पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं सब मिलाकर एक फैमिली है। अगर एक फैमिली है तो हर फैमिली मेंबर की रक्षा करना या उसके अच्छे के बारे में सोचना हमारा एक कर्तव्य बनता है, है ना। तो जो चीजें हम सबको अफेक्ट कर सकती है, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबको जो अफेक्ट कर सकती है, जो चीजें जो नुकसान पहुंचा सकती है, उनको अवॉइड करना चाहिए, है ना। उन सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए हमें। तो सोचना चाहिए क्या चीज, मेन तो नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि एयर यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, है ना,
और जो माइनिंग्स है जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, इन सबको हमें प्रिजर्व करते हुए यूज करना चाहिए, ठीक है। जबकि आपने सुना होगा कई सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल लॉज हैं कि आपको किस तरह से जो है वो एयर को आप जो है पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते, है ना। कई सारे लॉज बने हुए हैं, तो उन लॉज को हमें फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये हुआ कि चूंकि ये पृथ्वी जो है एक तरह से हमारा, तो जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी जीव जंतु रहते हैं, हमारे लिए एक फैमिली जैसे हैं, तो इन्वायरमेंट की जो भी चीज़ें उनको अफेक्ट कर सकती है ना, उन हर चीज़ों को जो है सही तरीके से यूज करना, सस्टेनेबल बनाना। सस्टेनेबल का सिंपल सा हिंदी होता है टिकाऊ, मतलब लंबे समय तक जिसको यूज किया जा सके, है ना। तो सस्टेनेबल बनाना हमारा जो है वो कर्तव्य बनता है, ठीक। ये है, इसके बाद बताया गया वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, फॉरेस्ट, लैंड्स, वाइल्ड लाइफ, जैसे कि हम लोग जो है गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, डॉग्स पालते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं जिनको जिनको हम लोग यूज करते हैं, है ना। उनके उनसे गाय से दूध हम लोग निकालते हैं, उसका कई तरीके से यूज करते हैं खाने में, है ना। तो उनका हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक। तो वो भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए, कोल एंड पेट्रोलियम। बट वाइल यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज वी पॉल्यूट सम ऑफ देम एंड ओवर यूज सम ऑफ देम, कि इनमें से किसी किसी को हम लोग क्या करते हैं, जब यूज करते हैं तो पॉल्यूट कर देते हैं, मतलब उसको प्रदूषित कर देते हैं, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, है ना। अब वाटर एयर जो है हमारे पास में तो रहता नहीं है, वो तो इधर उधर जाता रहता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, एक देश से दूसरे देश में भी वही हवा जा सकती है ना। तो इसलिए हम लोगों को उसको पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी नेचुरल रिसोर्स को पॉल्यूट कर देते हैं और किसी किसी नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज करते हैं, जरूरत से ज्यादा यूज कर देते हैं। तो क्या होगा, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा तो कई सारे दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, ये यहां पर कहा गया है ना। तो कहा गया वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, फॉरेस्ट, लैंड्स, वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम, बट वाइल यूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज वी पॉल्यूट सम ऑफ देम एंड ओवर यूज सम ऑफ देम विच इज नॉट गुड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर हैव नो बाउंड्रीज, है ना। एयर वाटर की कोई बाउंड्री नहीं है, एक देश से दूसरे देश में भी जा सकता है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा सकता है ना। तो इस तरह से जो एयर हम यहां पॉल्यूट कर रहे हैं वो दूसरों को जाकर के अफेक्ट करता है ना। तो इसलिए इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इज सो यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन ऑफ एवरी स्टेट और कंट्री टू प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवॉइड पॉल्यूटिंग देम, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज करना हम सबकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे वो अच्छा तरीके से यूज हो पाते हैं उस तरह से उनको प्रिजर्व करना और पॉल्यूशन को रोकना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है, ठीक। इसके आगे बताया गया वी ऑफन हेयर अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दीज आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स। ग्लोबल लेवल का मतलब है जो कि सारे देश का प्रॉब्लम है, जैसे कि ओजोन डिप्लेशन के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ओजोन डिप्लेशन और उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होता है पॉल्यूशन की वजह से। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, सारे देश की प्रॉब्लम है। तो सारे देश मिल करके इसके बारे में एक लॉ बनाते हैं, लॉ बना करके कोशिश करते हैं कि जो जो पॉल्यूशन है उसको रोका जाए, फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन बाहर आ रहा है उसको रोका जाए, ये तरह से कोशिश ऐसा किया जाता है ना। तो कहा गया वी ऑफन हियर अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, दीज आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन एक्सेट्रा,
देयर आर नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. सम नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट. कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए, सेफ करने के लिए जो है काम करते रहते हैं लगातार. फिर आगे कहा गया, इन आवर कंट्री गंगा एक्शन प्लान एंड नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स आर देयर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ गंगा रिवर. है ना, आपने इसके बारे में सुना होगा. गंगा एक्शन प्लान तो पुराना था 1985 में, और ये नमामि गंगे जो है ये रिसेंट का प्रोजेक्ट है जो 2014 में आया था गंगा की सफाई करने के लिए. हमने देखा है, जो स्टडी बताती है कि जैसे जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है और जैसे इधर हावड़ा की तरफ समुद्र में मिलने के लिए बंगाल खाड़ी में जाती है, तो जैसे जैसे गंगोत्री से बंगाल खाड़ी तरफ बढ़ती है तो उसका पॉल्यूशन लेवल जो है वो बढ़ता रहता है. पॉल्यूशन लेवल जो है वो दो तरीके से चेक किया जा सकता है. कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक पीएच फैक्टर भी होता है चेक करने का. एक होता है कोलीफॉर्म. कोलीफॉर्म का मतलब है बैक्टीरिया का एक ग्रुप है ना. कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया का अगर लेवल बढ़ गया हो, उनके नंबर बढ़ गए हो पॉरेंट वॉल्यूम में, तो कहते हैं कि ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है. तो जैसे जैसे गंगोत्री से जो है बंगाल खाड़ी तरफ बढ़ते हैं तो कोलीफॉर्म लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है. इसका मतलब ये है कि पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है. उसके बढ़ने का कई सारा कारण है ना. लोग उसी में नहाते हैं, जानवरों को उसी में धोते हैं, कई बार लाशें उसी में जलाई जाती है. इन सब चीजों से जो है ये बैक्टीरिया का जो लेवल है वो धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है. तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट्स यूज में आए, गंगा एक्शन प्लान और फिर आया नमामि गंगे. है ना, तो कहा गया इन आवर कंट्री गंगा एक्शन प्लान एंड नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स आर देयर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ गंगा रिवर. अ स्टडी ऑन गंगा वाटर शोज दैट कोलीफॉर्म लेवल. कोलीफॉर्म लेवल का मतलब बताया बैक्टीरिया का लेवल. इन गंगा वाटर इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम गंगोत्री टू डायमंड हार्बर. डायमंड हार्बर जो है वही बंगाल खाड़ी के पास में है ना. देयर आर सम फैक्टर्स लाइक पीएच वैल्यू एंड कोलीफॉर्म लेवल इन वाटर व्हिच क्वांटिफाई द वाटर पोल्यूशन. है ना, मतलब वाटर पोल्यूशन जो है वो कितना है उसको क्वांटिटी के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में कैसे पता कर सकते हैं. तो पता करने का यहां पर तरीका बताया गया है, जैसे पीएच वैल्यू से पता कर सकते हैं और कोलीफॉर्म लेवल से पता कर सकते हैं. ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो या कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंटल की सेफ्टी के लिए जो है वो काम करते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत सारे, है ना. लेकिन हर आदमी जो कि यहाँ पर रहता है, जो इस इन्वायरमेंट का यूज करता है, उसका भी अपना कुछ कर्तव्य होता है. तो वो क्या क्या कर सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, है ना. हम अपनी इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे. तो कहा गया, टू सेव द इन्वायरमेंट वी मस्ट रिमेम्बर 5 R's. 5 R's का मतलब है, ऐसे 5 words हैं जो कि R से स्टार्ट होते हैं, इसको याद कर सकते हैं हम लोग. जैसे कि यह है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस एंड रिसाइकिल. इनका क्या मतलब है वो नीचे बताया गया है. जैसे कि पहला वर्ड है रिफ्यूज, है ना. रिफ्यूज का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज है जो हमें लेना नहीं चाहिए, हमें जरूरत नहीं है उसकी, है ना, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आदमी कोई दे रहा है तो उसको रिफ्यूज कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए. कोई ऐसा चीज है जो हमारे इन्वायरमेंटल के लिए हानिकारक है और वो हमें मिल रहा है फ्री में या कोई दे रहा है, तो हमें उस चीज को रिफ्यूज कर देना चाहिए, ये इसका मतलब है, है ना. कहा गया, दिस मीन्स रिफ्यूज द थिंग्स दैट यू डू नॉट रिक्वायर और यू डू नॉट नीड बट पीपल ऑफ ऑर ना, आपको जरूरत नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग आपको दे रहे हैं, तो उसको रिफ्यूज कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. फिर बताया गया, रिफ्यूज टू बाई द प्रोडक्ट्स विच कैन हार्म यू और योर इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने से रिफ्यूज कर देना चाहिए, है ना. कई सारी चीजें ऐसी है, जैसे कि हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो साथ में एक प्लास्टिक की थैली मिल जाती है ना, जो एक बार यूज करके हम लोग उसको फेंक देते हैं,
ठीक है। कई सारी ऐसी चीजें जैसे एसी भी है, एसी भी जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है ना। तो बहुत जरूरी हो तो यूज करना चाहिए, जरूरी नहीं हो तो उसको नहीं यूज करना चाहिए, है ना। तो इसलिए कहा गया कि अगर आपके लिए जरूरत नहीं हो तो उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्यूज का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लास्टिक में आपको सामान दे रहा है तो प्लास्टिक को आप रिफ्यूज कर दो, क्योंकि उससे हमारे एनवायरमेंट को नुकसान होता है, है ना। यहां बताया भी गया लाइक यू शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सिंगल यूज कैरी बैग्स। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जिसको हम लोग बार बार यूज भी करते हैं, वो आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन एक बार यूज करके हम फेंक देते हैं, जो कचरे में बहुत दिनों तक पड़ा रहता है, वो किसी तरह से जो है वो डिफ्यूज नहीं होता, गायब नहीं होता, तो वो जो है नुकसानदायक है, गायें खाती रहती हैं, ठीक है, उनको नुकसान करता है। तो वो चीजें हमें रिफ्यूज कर देनी चाहिए। उसके बाद आता है रिड्यूस, मतलब कई सारे वेस्टेज होते हैं, हम कई सारी चीजें वेस्ट कर देते हैं, जैसे पानी नल से बह रहा है, उसको जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको हमें रिड्यूस करना है। इलेक्ट्रिसिटी है ना, जब काम नहीं है फिर भी बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं, बहुत सारे फैन चल रहे हैं, कोई यहाँ बैठा नहीं है फिर भी लाइट जल रहा है, तो उसका जो यूज है वो वेस्टेज है, तो उसको रिड्यूस करना है, है ना। तो रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स रिड्यूस द अननेसेसरी यूज ऑफ रिसोर्सेज। अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है उसके यूज को हम लोग जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक स्विच ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट वेस्ट फूड। एक तरह से कहा गया रिड्यूस्ड वेस्टिंग फूड, फूड को वेस्ट करना जो है वो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रिड्यूस तो होता ही, कुछ ना कुछ वेस्ट तो होता ही है, तो उसको हम लोग ज्यादा से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहानी सुनाया था पहले शुरू में, वो वाली कहानी जो है यहां पर फिट बैठती है। एक और कहा गया रिड्यूस द अननेसेसरी यूजेज ऑफ वाटर, है ना। कई बार बाल्टी से जो है पानी फेंकते रहते हैं धोने के लिए घर, है ना, तो उतना फेंकना जरूरी नहीं है, तो कम से भी काम चल सकता है, तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं जो अगला वर्ड है वो है रीयूज। रीयूज का मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी काम के लिए हमने उसको लाया था, उसका जो पर्पस है वो सोल्व हो गया, फिर भी हम लोग उसको बार बार किसी दूसरे काम के लिए यूज कर रहे हैं, बार बार उसको यूज करते जा रहे हैं, है ना। तो जैसे कि कई बार होता है जो हम लोग फूड आइटम्स लाते हैं किसी कंटेनर में, तो वो फूड आइटम जो है वो खत्म हो गया, हमने खा लिया उसमें जो भी सामान था, अब कंटेनर जो बचा है उसको स्टोरेज जैसा यूज कर सकते हैं। कई सारे सामान होते हैं किचन में रखे रहते हैं, उनको उस कंटेनर में डाल करके प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो रीयूज का मतलब ये हुआ, इसमें बताया गया इट मीन्स यूज द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स अगेन एंड अगेन, है ना, बार बार उसको यूज करते रहना है। लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक ही क्यों यूज किया, क्योंकि प्लास्टिक ही जो है वो वैसे जो है डिस्पोज नहीं होता है, इसलिए जो है वो मतलब कि वो जो कहीं हम फेंक देते हैं तो वैसे ही प्लास्टिक वैसे ही रहता, वो सड़ता नहीं है, कहीं पर डिफ्यूज नहीं होता, गायब नहीं होता, वो पड़े रहता वैसे ही, इसीलिए प्लास्टिक के बारे में बात किया गया। लाइक प्लास्टिक बॉटल्स ऑफ फूड आइटम्स कैन बी यूज्ड अगेन टू स्टोर सम इंग्रेडिएंट्स इन द किचन। रीयूज इज इवन बेटर देन रिसाइकिल एज रिसाइकलिंग प्रोसेस नीड्स सम एनर्जी। कहा गया कि जो रीयूज का जो प्रोसेस है वो रिसाइकलिंग से भी ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि रिसाइकिल करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च होती है, एक बार सारा चीजें जो है वो जो आइटम खराब हो गए उनको एक बार जमा करेंगे, उनको ले जाकर फिर मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके फिर नया चीज बनाएंगे, तो रिसाइकिलिंग में एनर्जी खर्च होती है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, हमारा टाइम खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, है ना। लेकिन रीयूज में कोई खर्च नहीं होता, यहां से डब्बा उठाया वहां ला जाकर यूज कर दिया, ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि रीयूज जो है वो रिसाइकिलिंग से बेटर है। इसके बाद अगला वर्ड आता है रीपर्पस, मतलब कि जिस पर्पस के लिए सामान को जो ऑब्जेक्ट लाया गया था वो पर्पस जो है वो तो सोल्व हो गया, अब उसी सामान को हम लोग किसी दूसरे पर्पस में यूज कर सकते हैं, किसी दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कहा गया दिस मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट इज नॉट यूज फॉर द पर्पस इट वॉज ब्रॉट देन थिंक एंड यूज इट फॉर अदर पर्पसेज, दूसरे काम के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक कंटेनर विथ ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स और एज फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स।
तो कुछ कंटेनर्स हैं जिनके हैंडल टूट गए। अब हैंडल टूट गए तो जिस काम के लिए लाए गए थे, है ना, जैसे पानी रखने के लिए लाया गया था, पानी पीने के लिए लाया गया था, है ना, जग है, वो काम नहीं आ रहा। अब उसको क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग प्लांट उगा सकते हैं, उसमें पानी डाल करके या खाना डाल करके जो है बर्ड्स के लिए रख सकते हैं। तो ये दूसरा पर्पस के लिए यूज हो गया। ठीक, इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है, जो वर्ड है, वो है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट या मेटेरियल वेस्ट हो गए हैं उनको जो है फिर से रिसाइकिल करते हैं, यानी कि उनको फिर से वापस मेटेरियल बना करके नए फॉर्म में मोल्ड करते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। कहा गया दिस मीन्स यूज्ड प्लास्टिक्स, ग्लासेज, पेपर एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिसाइकल। ये पहले से यूज किए जा चुके हैं और यूज करने के बाद जो फेंक दिए गए इधर उधर उन सबको हम लोग जमा करते हैं, जमा करने के बाद मेल्ट करके नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना। दीज आर कैन बी रिसाइकल टू मेक अदर रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टीड ऑफ यूजिंग न्यू मटेरियल टू मेक दीज रिक्वायर्ड थिंग्स। ये कहा गया कि रिसाइकिल करना बेटर है कि नया मटेरियल यूज करें। जैसे प्लास्टिक जो हम लोग वाटर बोतल यूज करते हैं उसको फेंक देते हैं, है ना, तो वो जो वाटर बोतल है उसको रिसाइकिल करके फिर से वाटर बोतल बना सकते हैं। और नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं से नया वाटर बोतल जो मटेरियल है प्लास्टिक है वो लाना पड़ेगा, फिर वाटर बोतल बनाना पड़ेगा। ठीक, और ये वाले जो वाटर बोतल जो वेस्ट हो चुके हैं वो फेंके रहेंगे ऐसे ही, इधर उधर पड़े रहेंगे, एनवायरमेंट को पोल्यूट करते रहेंगे। ठीक, तो बेटर यह है कि इन्हीं को मेल्ट करके रिसाइकिल करके नया बोतल बना लिया जाए। तो रिसाइकिल जो है ये इस तरह से एनवायरमेंट की सेफ्टी हो सकती है। ठीक है।